दोस्तों मैं आपका प्रवरण तिवारी इंडस एजेंट फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नायक, मिस्टर इंडिया, स्लम डॉग, राम लखन, आप हमारे दिल में रहते हैं। बहुत सारी अनेक मूवीज देने के बाद डेकेड्स डेकेड्स की स्पेशली कह सकेंगे कि यंगेस्ट मैन इन हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आज अनिल कपूर जी की। आइए आपकी एक स्पेशल मुलाकात जुग जुग जियो, जो 24 जून को ये मूवी आ रही है, कॉमेडी फन ड्रामा सब कुछ लेके। आइए बात करते हैं अनिल कपूर जी के साथ। तेरी माँ मीरा से मिलना चाहती है। मीरा कौन है? पापा जी की गर्लफ्रेंड। वो तेरी माँ। ये बीवियाँ शादी के बाद इतनी बोरिंग क्यों हो जाती है? पापा, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है। अरे ये बीवियाँ मुंह से निवाला छीन ले, तू बात की बात कर रहा है। आप भी जुग जुग जिए। और यार जितने भी यहाँ ये शो देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, उन सबको मेरी तरफ से जुग जुग जियो। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू एवरी वन, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पे हम बहुत बहुत प्राउड करते हैं सारे इंडियंस की तरफ से। पूरी दुनिया में आपने सबका नाम बहुत ऊँचा किया, एंड मैं सब आपको प्रणाम करता हूँ और ये कहता हूँ कि वी लव यू, वी लव योर एक्टिंग, वी लव द डैशिंग पर्सनैलिटी ऑफ बॉलीवुड एंड हॉलीवुड, एंड आप जुग जुग जिए। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी, आपसे बातचीत हो रही है। काश मैं वहां होता खुद आपके आमने सामने, तो बहुत ही और भी मजा आता। मगर चलो, यू नो, इस पे ही मजा करते हैं। आप भी जुग जुग जिए। और यार जितने भी यहाँ ये शो देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, उन सबको मेरी तरफ से जुग जुग जियो। अनिल जी, मेरी लाइफ के लिए ये हिस्टोरिकल मोमेंट है, बिकॉज आई फील लाइक दैट एवरीबडी लव्स यू, एंड मुझे ये मौका मिला। मैं इंडस एज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा कि आपके साथ जो आज बात करने का मौका मिला। एंड उसके बाद हम जानना चाहेंगे आपके इस करेक्टर की केमिस्ट्री के बारे में, बिकॉज आपने एज अ भीम एंड साथ में गीता जी, क्या केमिस्ट्री है जी नीतू जी के साथ? देखिए, ये कहानी सिर्फ गीता और भीम की नहीं है, इसमें अपना वरुण भी है और अपना कियारा और मनीष, प्रतीक्षा, इन सबके भी किरदार बड़े अच्छे अच्छे हैं। कुक्कू, नैना, उनका उनके किरदारों का नाम है। तो वो जो हैं, उनकी शादी हो जाती है, वो कनाडा में रहते हैं, बचपन से उनका प्यार है स्कूल से, और फिर उनकी शादी होती है, अच्छी खुशी शादी होती है। उसके बाद फिर उनकी जैसे होता है हर रिश्तों में, कहीं ना कहीं अनबन हो जाती है, कुछ ऐसे दे कैन नॉट, ईगो प्रॉब्लम हो या जो भी हो, आप फिल्म में देखेंगे, बट ऑब्वियसली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट व्हिच हैपेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। और कहीं ना कहीं फिर उन लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे से, जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, हुआ था कि आप क्या चाहते हैं, वो जो 1 2 3 दोनों एक साथ बोलते हैं डिवोर्स। मगर वो क्या कहता है अपना कुकू, जो मेरे बेटे का रोल कर रहा है वरुण धवन, वो कहता है कि देखो घर पे एक शादी बड़ी शादी हो रही है, बड़ी मेरी बहन की शादी है, गिनी की शादी है। तो जब तक, जैसे हम कहते हैं, जैसे हमारे सारे परिवारों में, हिंदुस्तानी नहीं, जितने भी हैं, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, ऑस्ट्रेलियन हो, ब्रिटिश हो, इंग्लिश हो, कोई भी शादी हो, अच्छा ओकेजन हो, उसमें कलेश लाने कोशिश करते हैं कि ये उस वक्त कुछ कलेश नहीं होना चाहिए, उस वक्त कोई ऐसा बुरी न्यूज नहीं आनी चाहिए। जब 4-5 दिन की बात है, 4-5 दिन में ये डिस्कशन हो जाएगा। जब तक 4-5 दिन एंजॉय करते हैं, यू नो, 4-5 दिन इतना इंतजार किया तो कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं अपना ये सब न्यूज, क्योंकि उनको शेयर तो करना पड़ेगा ना अपने माँ बाप से, कि हम तो समझ रहे थे कि भाई उन लोग खुशी रह रहे हैं कनाडा में, यहाँ पढ़ाई लिखाई की और वहां जाके काम कर रहे हैं दोनों, कुकू काम कर रहा है और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, मगर वो ऐसा होता नहीं है। वो आते हैं किसी की शादी पर,
और वहां नैना बोलती है कि भैया तू अपने पिताजी से या मम्मी से बात कर और कह, क्योंकि मुझे जो है वहां जाना है न्यूयॉर्क, मुझे बहुत बड़ा एक जॉब मिल रहा है और वो जॉब मुझे जल्दी जवाब देना, अदरवाइज वो किसी और को ले लेंगे, एंड आई वॉन्ट टू सेटल इन न्यूयॉर्क, वो रहते हैं कनाडा में। तो मैं, यार तू चिंता मत कर, ऐसा तो है नहीं कि 3-4 दिन के बाद, में कोशिश कर रहा हूँ बात करने में, जरूर बात करूंगा। तो करते करते उसको एक मौका मिलता है बात करने का, तो उससे पहले कि वो बोले कि मैं डिवोर्स करना चाहता हूँ, मैं उसे बोल देता हूँ कि भैया मैं तेरी मम्मी को डिवोर्स कर रहा हूँ जी। वो कहानी वहां से शुरू होती है, तो फिर उसके बाद आप फिल्म देखिए और पता चलेगा कि भैया बच्चे तो बच्चे, बाप भी डिवोर्स करना चाह रहा है। अनिल जी, कौन सा मीरा का करेक्टर है, थोड़ा सा उसके बारे में भी प्लीज बताइए। भैया डिवोर्स कर रहा तो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में कोई तो होगा, क्यों डिवोर्स कर रहा? हाँ, कभी कभी होता है कि पति पत्नी में झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कभी ऐसा होता है कि पैसों की वजह से होता है, कभी ऐसा लगता है कि फैमिलीज की वजह से होता है, कभी कभी इनलॉस के साथ भी मनचल पड़ती, कभी कभी दोनों के टेम्परमेंट में फर्क होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी इसके भी झगड़े होते हैं, बड़े बड़े वगैरह वगैरह रीजंस होते हैं, तरह तरह के रीजंस होते हैं उनके झगड़े में और अनबन में और कॉन्फ्लिक्ट में। मगर यहाँ जो है दूसरी चीजें भी हैं, मगर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है कि इस भीम को मीरा नाम की लड़की से प्यार हो गया। वाह। मीरा जो है वो मैं शादीशुदा हूं मगर मुझे किसी और से प्यार हो जाता है। तो जो कुछ भी आप सुन रहे हैं ऐसा मत समझना है कि बड़ा सीरियस मामला है, और ये सब चीजें कॉमेडी में की गई है, लाइट हार्टेड, बात सीरियस है मगर वो ह्यूमरसली कही गई है, ताकि जैसे कि कहते थे बड़े बड़े जो फनकार हैं, फिल्म मेकर्स हैं, वो हमेशा कहते थे कि इंटरटेन करो दोनों को, लोगों को मनोरंजन करो, क्योंकि आजकल जो पूरी दुनिया का माहौल है वो काफी सीरियस है, काफी कुछ हम इस 2-2.5 साल काफी दुख दर्द से गुजरे हैं, पेंडेमिक से गुजरे हैं, और तो सब कुछ यू नो इंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, जब फंसना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, तो परिवार के साथ। तो ये एक ऐसी फिल्म है कि आप पूरे ऐसी फिल्म है जो आप बच्चे भी देख सकते हैं और टीनेजर्स भी देख सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, यूथ देख सकती है, और साथ में आके जो घर पे जो माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, सब मिलकर ये फिल्म देख सकते हैं, कहीं ना कहीं सबके लिए कुछ ना कुछ है। अनिल जी, किस तरीके से हर मूवी में आपका एक स्पेशल डायलॉग होता है, कैसे झकास, तो वैसे ही इस मूवी के बीच में कौन सा डायलॉग है, कौन सा सबसे ज्यादा लोगों को प्यार देने वाला है? जो 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 आप मेरे से बात कर रहे हैं, कुछ चीजें होती हैं जैसे नो एंट्री में बी पॉजिटिव था, या मजनू भाई का जो था वेलकम में था के कुछ डायलॉग्स थे जो, या उदय नाना पाटेकर का था उदय भाई का डायलॉग, या ये सारी चीजें हैं जैसे कि तेजाब का डायलॉग, राम लखन का एजी ओजी हो गया, या फिर स्लमडॉग मिलियनेयर का जो डायलॉग था हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर, ये सारे ये तो पहले कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो जैसे कि अभी आप जुगजुग जियो की बात करें, अब मुझे पता नहीं कि क्या चीज लोगों के साथ कनेक्ट होगी, वो तो आप जब फिल्म देखेंगे, लोग जब फिल्म देखेंगे उसके बाद चीजें जो है पॉप कल्चर में जाती हैं और वो पॉपुलर होती हैं, उनकी मीम्स बनते हैं, उनके लोग फिर घड़ी घड़ी वो डायलॉग्स बोलते हैं, तो बाद में पता, रिलीज से पहले हमें पता नहीं होता कि क्या लोगों को पसंद आएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम मेहनत से दिल लगाकर काम करें, और फिर वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, और जो मीडिया है जो फिल्म देख रही है, क्रिटिक्स हैं, और जो जनता जो फिल्म देखने जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे म्यूजिक, जैसे म्यूजिक ऐसी चीज है जो हम पहले से रिलीज कर देते हैं, इसलिए हमारा हमारी फिल्म का म्यूजिक बहुत पॉपुलर हो गया है, जैसे कि नच पंजाबन गाना दूसरे और वगैरह दूसरे गाने भी बड़े बड़े पॉपुलर है, दे आर ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट्स, सब लोगों को पूरी दुनिया में लोग उनपे खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, शादियों में बज रहा है ये गाना, पार्टियों में बज रहा है गाना, बाज में बज रहा है गाना, तो ये एक अच्छा साइन है। तो इसी तरह फिल्म के रिलीज के बाद फिर वो डायलॉग्स जो हैं वो लोगों को वो रिपीट करते हैं। अनिल जी, दिस इज द प्राउड मोमेंट फॉर अस, एंड जॉन सा स्टेप पूरी दुनिया में भी छा रहा है, नच पंजाबन, क्या आप हमें ये वाला स्टेप प्लीज सिखाएंगे? जी, डांस स्टेप्स भी हैं जो जैसे एक स्टेप हमारा ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो गया है, नच पंजाबन, नच पंजाबन, नच पंजाबन, नच हो या जा सके आजा, हो या जा।
मैं कल रात पार्टी में गया था, वहां रणवीर सिंह और अपना कार्तिक आर्यन और सिद्धार्थ, सारे जब जब सारे जो कलाकार थे वो थे, कीर्ति सैनन और जानवी और सारा, परिणीति चोपड़ा, यू नो, नवाजुद्दीन साहब, ये सारे कलाकार थे वहाँ, और सब ने मिलकर फिर डांस किया, और सब ने यू नो ये ऑलरेडी सर जो गेस्ट थे वो भी, तो जहाँ जहाँ देंगे पूरी दुनिया में सब जगह ये स्टेप पॉपुलर हो गया। तो हमने जब किया था हमको नहीं पता था क्या इतना पॉपुलर होगा, पर वो लोगों को पसंद आ गया, बड़ा सिंपल है करना, जैसे ये बड़ा सिंपल था, यू नो, जब मैंने किया ये सिंपल था। तो ये कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो जैसे कि ऋतिक का डांस मूवमेंट था उसमें, कहो ना प्यार है, करेक्ट जी, ये पॉप कल्चर वाली चीजें होती है वो, यू नो इट्स नॉट दैट वी प्लान इट, वो अपने आप हो जाती है, वायरल हो जाती है। अनिल जी ये कहना तो गलत होगा कि आपकी तरह कोई बनना चाहता है, बिकॉज यू आर स्पेशल, यू आर द लेजेंड, लेकिन जो इस फील्ड में है, जो कुछ करना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए, बस अपना, यू नो, जिंदगी आपको एक ही मिली है, और खुश रहो, और कोशिश करो कि दूसरों को भी खुश रखें, और हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। और शरीर आपको भगवान ने दिया है तो उसकी उसकी देखभाल करो, और लुक आफ्टर इट, सो दैट अगर आप अपने आप को फिट रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, तो आप लोगों को आप खुशियां बांट सकते हैं, आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बिकॉज आप यू आर सो हेल्दी, फिट एंड पॉजिटिव। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, एंड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू टेल पीपल हु आर वॉचिंग योर शो एंड हु आर गोइंग टू वॉच इट व्हेनेवर इट इज रिलेड, जब भी आप लोग ये सबको दिखाइए, मैं चाहूंगा कि 24 जून को फिल्म रिलीज हो रही है जुग जुग जियो, अगर आप देखेंगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको लगेगा कि आपने एक अच्छी, साफ सुथरी, फन, एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ लाफ्टर एंड म्यूजिक, डांस परफॉर्मेंसेस वाली फिल्म देखने को आपको मौका, देखने का मौका मिलेगा। करण जौहर ने फिल्म प्रोड्यूस की है, और आप जानती है करण जौहर जब फिल्म बनाता है तो बहुत दिल से पैसे खर्चा करता है, बड़ी फिल्म बनाता है, यू नो, कहीं ही नेवर कट्स कॉर्नर्स, ही मेक्स अ फिल्म विद अ हार्ट, बड़ी फिल्म बनाता है। जो हमारे डायरेक्टर हैं राज मेहता साहब, उनकी आप लोगों के सब ने देखी होगी गुड न्यूज, कितनी एंटरटेनिंग फिल्म थी, सुपर हिट हुई है, तो वो डायरेक्टर उस कॉन्फिडेंस से आया था कि मैं गुड न्यूज से भी एक अपनी कोशिश तो करूंगा कि उससे भी बेटर मैं फिल्म बना सकूं। तो हम सब ने कोशिश की, और उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी। जब आपको कॉल आया था स्क्रिप्ट के बारे में कि करण जौहर ने कॉल किया या किसी ने, टीम के मेंबर ने कॉल किया, तो व्हाट डू यू फील, ये मूवी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जब मुझे कहानी सुनी इमीडिएटली मुझे अच्छी लगी, और फिर मैं डायरेक्टर से मुलाकात हुई, फिर मैंने उसका पूरी डिटेल में कहानी सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, और इमीडिएटली उसको हाँ किया। तो दोस्तों आज हमने बात की लिविंग लेजेंड अनिल कपूर जी के साथ, तो प्लीज आप अपना आशीर्वाद वाला हाथ मेरे पे बना के रखिएगा, एंड इंडसेज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से मैं लेके आता रहूंगा आपके लिए बॉलीवुड मसाला, एंड इसी के साथ मिलते हैं 24 तारीख को जुग जुग जियो। अनिल जी, वी प्रॉमिस दैट ऑल ऑस्ट्रेलिया वेटिंग फॉर जुग जुग जियो। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.